सो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन 15 पूछा गया है कि AP-3, -1/2, 2 ... का एग्राहवा पद क्या हो जाएगा। दोस्तों, एग्राहवा पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला, A+11 में से A कम करते हैं तो ये 10 हो जाता है। इसमें हम सार्वंतर का D लगा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको प्रथम पद A का मान लिखना पड़ता है और प्रथम पद A का मान होता है पहले वाला पद जो कि यहाँ पे आपका -3 दिया गया है, तो -3 लिखेंगे। उसके बाद में हम निकालते हैं सार्वंतर अर्थात D का मान। दोस्तों, D ज्ञात करने का आसान फार्मूला A2 - A1 होता है, ठीक है जी। अब देखिए, A2 का मान क्वेश्चन में कितना है, तो -1/2 है, तो हम यहाँ पर -1/2 लिखेंगे। उसके बाद में फिर से है -A1 का मान, और A1 का मान आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो माइनस यहाँ पे 3 दे रखा है, तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे +3 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 2 और 1 LCM 2 हो जाएगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, यानी -1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि -1 + 6 = कितना होता है जी, तो 5 होता है, और बटा में 2 है, यानी प्रथम पद A का मान आपका -3 दिया गया है और सार्वंतर D का मान 5/2 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 11वां पद हमें निकालना है तो जहाँ पे लिखा गया है A, तो A का मान यहाँ पे -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। उसके बाद में है 10D, यानी 10 × D का मान, और D का मान दोस्तों 5/2 आया है, तो हम लिखेंगे 10 × 5/2। उसके बाद में क्या होगा कि 10 को 2 काटेगा 5/5, 3 = 10 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 5 में 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होता है जी, तो 25 हो जाता है। अब देखिए, -3 + 25 मिलकर कितना होगा, तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 22। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला α×β = C/A होता है। यह एक फार्मूला है जो आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए सी का मान, तो सी का मान दोस्तों कितना है, तो 1 है। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान, ए का मान ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, तो हम 4 लिखेंगे। यानी जब इस मूलों का गुणनफल ज्ञात किए हैं, α×β का मान ज्ञात किए हैं, तो C/A के तहत 1/4 क्वेश्चन का सही जवाब आया है जो कि ऑप्शन B में है। अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन B होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, AP का पहला पद A और सार्वंतर D है, तो n-वां पदों का योग क्या हो जाएगा। दोस्तों, n-वां पद पूछा जाता तो A+(n-1)×D होता, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे n पदों का योग पूछा गया है, तो वो आपसे SN का फार्मूला पूछ लिया है। और SN का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी को बता दें कि n/2 × 2A + n-1×D होता है, और इस प्रकार का ऑप्शन D में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब D होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 18 कहता है कि 1/√3 = क्या होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को मैट्रिक एग्जाम पेपर में सॉल्व करना काफ़ी ही सिंपल होता है। हम बारी बारी से तमाम ऑप्शनों को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि 1/√3 किसका मान होता है। देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया sin 30 का मान, और sin में 30 का मान 1/2 होता है। 1/√3 1/2 के बराबर कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया tan 30, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 60 दिया गया है, tan 60 का मान √3 होता है, और sin में 60 का मान तो आप सभी को मालूम होगा √3/2 होता है, ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ ये पूछा गया कि 1/√3 किसके बराबर होगा, तो tan 30 के बराबर होगा, क्योंकि tan में 30 का मान 1/√3 के बराबर होते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे एक और फार्मूला पूछ लिया गया है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। दोस्तों मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है जहाँ पे आपसे शंकु का आयतन, गोला का आयतन या अर्धगोला का आयतन पूछ लिया जाता है। तो कहता है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 3πr² ये होते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि गोला का वक्ष पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता तो 4πr² हो जाता, गोला का आयतन पूछा जाता तो 4/3πr³ हो जाता, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है यदि √2cos θ = 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos θ = 1 लिखेंगे, √2 जो आप गुना में देख पा रहे हैं बराबर की ओर जाने पर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है। यदि आप सभी मान सारणी को याद किए होंगे तो मालूम होगा कि कॉस में जो 45 डिग्री के मान होते हैं ये 1/√2 के मान के बराबर होते हैं। इसलिए क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, 45 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि α, β द्विघात बहुपद fx में दिया गया है x²-3x+5 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/α और 1/β को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अल्फ़ा बीटा का यदि हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे α×β हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा α+β। आप सभी को बता दें कि α+β का फार्मूला -b/a होता है, α×β का फार्मूला c/a होता है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि a से a को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों -b/c। अब क्या करेंगे कि b का मान लिखेंगे, b का मान देखेंगे तो ऑलरेडी ये -3 है तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए c का मान, और c का मान दोस्तों यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस प्रकार से जब 1/α + 1/β का मान जब ज्ञात करेंगे तो 3/5 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, और 3/5 ऑप्शन सी में दिख रहा है अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर अर्थात डी का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर होते हैं ना तो विविक्तर यानी सार्वान्तर डी का जो मान होता है वो 0 होता है, और d = 0 ऑप्शन ए में दिख रहा है अतः क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, d = 0। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा जहां पे एक बिंदु दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कोटि का मान क्या होगा या भुज का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कार्तीय तल में एक वो एक्स का मान होता है, दूसरा होता है वाई का मान, और एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं जी, कोटि कहते हैं। अब देखिए एक्स होता है पहले, वाई होता है बाद में, समझ गए होंगे ना हम आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्स वाला मान होता है पहले वाला तो भुज पूछा जाएगा तो पहले वाला आंसर हो जाएगा, वाई का मान होता है कोटि का मान और कोटि का मान पूछा जाएगा तो बाद वाला मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोटि का मान पूछा गया है अर्थात वाई का मान पूछा गया है तो कोटि का मान क्वेश्चन का सही जवाब -4 होगा जो कि ऑप्शन ए में है अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल और चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात एल गुने बी गुने एच होता है, और एल गुने बी गुने एच ऑप्शन ए में दिख रहा है अतः क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, LBH। यदि इसी सवाल में पूछ लिया जाता है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच है तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2×LB+BH+LH होता है। यदि घनाभ का विकर्ण पूछ लिया जाएगा तो ये होता है √ लंबाई का स्क्वायर + चौड़ाई का स्क्वायर + ऊंचाई का स्क्वायर अर्थात √L² + B² + H² होता है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण A बराबर 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को पढ़ाया जाता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी जब हम कोण A को जोड़ देते हैं कोण B में और कोण B को जोड़ देते हैं कोण C में, तो सभी का मान को ऐड करने के बाद कुल मान 180 होता है। तो कोण A का मान यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, कोण B का मान 90 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री लिखेंगे, कोण C का मान हमें प्राप्त नहीं है तो सेम टू सेम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है 180। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यदि हम यहाँ पे कोण C बराबर 180 डिग्री लिख देते तो 90 और 40 कितना होता है तो 130 होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 130। अब देखिए कोण C बराबर 180 में से 130 घटा दीजिएगा तो कितना होगा जी, 50 डिग्री हो जाएगा। यानी समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 40 डिग्री होगा तो कोण C का मान 50 डिग्री हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 50 डिग्री। इसके बाद में कहता है कि यदि 10 25 × 10 20 10 65 × 10 70 का मान क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 10 25 को तोड़ देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 × 90 में से यदि 25 घटा लेंगे तो जाहिर सी बात है 65 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे 10 20 है तो यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम पहले लिखेंगे 10 65। उसके बाद फिर से क्या करेंगे कि 10 20 है तो उसको तोड़ देंगे, लिखेंगे 10 × 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और उसके बाद 10 70 लिखेंगे। और आप सभी को बता दें कि 10 × 90 − θ बराबर cos θ होते हैं, θ का मान यहाँ पे 65 है, उसके बाद में यहाँ पे भी 10 65 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 20 × cot 20। और आप सभी को बता दें कि एक फार्मूला होता है कि 10θ × cot θ का मान 1 होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा जी, यानी 1। उसके बाद में कहता है त्रिभुज ABC में ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है AB/PQ BC/RP, तो कौन सा कोण बराबर हो जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम A है, B है और C है। एक और त्रिभुज है जिसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम क्या है दोस्तों, तो PQ और R है, ठीक है जी। अब कहता है AB/PQ यानी AB जो है वो PQ के बराबर है। उसके बाद में कहता है BC यानी ये वाला भुजा RP के बराबर है, RP इधर है तो बराबर है, तो कौन से कोण की बात की गई है, यहाँ पे कोण B हो जा रहा है और कोण P हो जा रहा है। दोस्तों कोण B बराबर कोण P ऑप्शन D में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन D होगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं और एक अलावे किसी अन्य संख्या से ना विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे कि 11। उसके बाद में कहता है कि 1 cot²θ / 1 tan²θ बराबर क्या हो जाएगा। देखिए याद देख लीजिए, एक ट्रिक को जान लीजिए कि ऊपर यदि cot²θ रहेगा तो क्वेश्चन का सही जवाब cot²θ ही आएगा। उसके बाद में कहता है यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का मान संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए वृत्त का परिमाप यानी परिधि 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। जब पाई से पाई कटा देंगे, 1r से 1r कटा देंगे तो r बराबर यहाँ पे 2 बचेगा। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हम एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल को संख्यात्मक रूप से बराबर करेंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या का मान जो होगा वो 2 मात्रक हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा, यानी कि उसमें 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।